दोस्तों, अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाए। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर यह तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर
स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाए। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मीत मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर यह तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो
ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाए। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मीत मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर यह तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात
मुलाकातें रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमज़ोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएँ। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मीत मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत
खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गाँव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गाँव जाते हैं। गाँव जाकर इन्हें पता लगता है कि गाँव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमज़ोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएँ। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी
एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से ज़रा खुश नहीं हैं। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पाँव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गाँव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गाँव जाते हैं। गाँव जाकर इन्हें पता लगता है कि गाँव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएँ। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है जो कि आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाए। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन
लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाए। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम,
आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है, इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाए। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट
में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिस्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाए। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए।
आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है, इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाए। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया
गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की। तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाए। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।
दोस्तों अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर यह तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की। तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है, इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाए। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं हैं। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पाँव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गाँव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गाँव जाते हैं। गाँव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर
स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएँ। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इंफॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं हैं। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पाँव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गाँव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गाँव जाते हैं। गाँव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो
ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं हैं। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पाँव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गाँव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गाँव जाते हैं। गाँव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात
रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत
खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गाँव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गाँव जाते हैं। गाँव जाकर इन्हें पता लगता है कि गाँव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक
बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से ज़रा खुश नहीं हैं। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पाँव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गाँव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गाँव जाते हैं। गाँव जाकर इन्हें पता लगता है कि गाँव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से ज़रा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पाँव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गाँव जाते हैं। गाँव जाकर इन्हें पता लगता है कि गाँव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन
लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पाँव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गाँव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गाँव जाते हैं। गाँव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम,
आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पाँव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गाँव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गाँव जाते हैं। गाँव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है, इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट
जिसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रिस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मीत मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए।
आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मीत मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है, इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया
गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।
दोस्तों अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमज़ोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है, इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं।
लेकिन अगर इंटरवल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर यह तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहां इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर
स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों। अगर आप भी ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 15 जुलाई 2016 में रिलीज की गई कॉमेडी एंड हॉरर मूवी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आज भी दोस्तों इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों इंद्र कुमार, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्रद्धा दास, मिफ्टी, पूजा बोस, कंगना शर्मा, संजय मिश्रा, उषा नाडकर्णी, श्रियास तलपड़े, सुदेश लेरी, केतन करडे, रितेश देशमुख, वृद्ध पारेख, अर्चना गौतम आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 3.7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी दोस्तों इस मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग दी है। हालांकि इस मूवी का रेटिंग रेस्पॉन्स तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 79% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को आप Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी में काफी अच्छी कॉमेडी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको खूब हंसाने वाले हैं। तो आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा Amazon Prime Video पर जाकर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो अमर सक्सेना, रितेश देशमुख, मित मेहता, विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला, आफ्ताब शिवदासानी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीवियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं है। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने से बाज नहीं आते। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गांव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात रागिनी उर्वशी रोतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। अब हम आपको रागिनी कौन है ये नहीं बताएंगे, यह अगर हम बता देते हैं तो
ये फिल्म देखने की आपके पास कोई वजह नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के निर्देशक की, तो मस्ती की कामयाबी की हैट्रिक मनाने के लिए इस बार इंद्र कुमार को एक बेहद कमजोर और लचर स्क्रिप्ट के अलावा कहानी के लिए अनफिट स्टार कास्ट मिली। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर है। इंटरवेल से पहले कहानी की रफ्तार बेहद सुस्त है, जो बाद में इंद्र कुमार कहानी को किरदारों को समेटने में ऐसे उलझते हैं जैसे तैसे कहानी को बस समेटते पाएं। लेकिन अगर इंटरवेल के बाद कहानी की बात की जाए तो कहानी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करना चाहिए। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं।